मुरादाबाद आरटीओ के पीछे लाकड़ी फाजलपुर बाईपास में इज्तिमा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इज्तिमा 8, 9 और 10 दिसंबर तक रहेगा। 10 दिसंबर को दुआ कराई जाएगी। आयोजन में 13 जिलों से लोगों के जुटने की संभावना है। इज्तिमा का उद्देश्य दुनिया के साथ साथ अपने में सुधार लाना है। आयोजन में 250 से 300 लोग अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, जिसमें वजू खानों का निर्माण, स्नान घर, टेंट, तंबुओं आदि की व्यवस्था सम्मिलित है। इज्तिमा में 40 से 50,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया गया है। आकस्मिक चिकित्सा केंद्र भी लोगों ने स्थापित किए हैं, साथ ही खाने पीने की व्यवस्था भी मुकम्मल की गई है। मेरा नाम मोहम्मद नहीम है। मेन चीज इज्तिमा हो रहा है, किस जगह हो रहा है? यह सहारा वालों की जगह है, और ये वही हो रहा है। मुराद में कौन सी जगह कहलाती है? मुरादाबाद में एक वैसे तो फेमस जो है लाकड़ी वाला रोड, मगर सहारा वालों की जगह के नाम से फेमस है ये। तो इज्तिमा में लगभग कितने आदमियों को बैठने का इंतजाम है यहाँ पर? इंतजाम करीब करीब मेरे पास कुछ नहीं, तो 40 से लेकर 50,000 आदमी तो इसमें बैठ जाओगे। 50,000 आदमी के लगभग कितने जिलों का है ये? यहाँ से लेके और तुम्हारा उत्तरांचल तलक जो आए हुए जितने 13 जिले, वो सारे 13 जिलों का, 13 जिलों का जो है लोग, 13 जिलों के यहाँ पर आए, 13 जिलों के लोग लगभग लगभग। तो क्या क्या अपील करना चाहेंगे हिंदुस्तान के लोगों से आप? हिंदुस्तान के लोगों से अपील ये करना आएंगे कि आपके शहर मुरादाबाद में ये इज्तिमा हो रहा है, और दीनी इज्तिमा है ये, जो कि सारे मुसलमान भाइयों को इसमें जोड़ा जा रहा है। और इसमें कोई मतलब बरेलवी या देवबंदी उससे कोई मतलब नहीं, सब भाइयों को जोड़ा जा रहा है। इसमें दीन के मुताबिक कुछ बात होगी, उसको समझना है और एक और इस्तफाक से रहना है, इसी मुताबिक चलेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद। अहमद जी, कौन सी जगह कहलाती है जिस जगह इज्तिमा हो रहा है? ये मुरादाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका है कि जिसमें इज्तिमा हो रहा है। सहारा जगह, सहारा जगह का नाम है। ये कितने दिन का इज्तिमा है? लगभग 3 दिन का इज्तिमा है। कौन कौन सी तारीखों में होगा? आज शाम से शुरू, कल शाम से शुरू है। 8, 9, 10 दस तारीख को लगभग हुआ होगा। 8 तारीख से शुरू है। निजामुद्दीन से कहीं जा रहे हैं? दिल्ली मरकज, दिल्ली मरकज। लगभग कितने लगभग आ रहे हैं? 12-15 के करीब। लगभग कितने लोगों के बैठने की जगह यहाँ मौजूद है? 12 के मुताबिक तो 40,000 है, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा हो जाएगा। हजरत, क्या नाम है आपका? जी अब्दुल कादिर नाम है। अब्दुल कादिर जी, आप क्या खिदमत में लगे हुए हैं? आप लगभग कितने लोग खिदमत में लगे हुए हैं? हमारे पास कम से कम ऐसे हैं 20-22 लोग। ये कहाँ कहाँ से लोग लगे हुए हैं? ये से हम लोग यहाँ से जयंतीपुर से। जयंतीपुर से जो मेहमान लोग आ रहे हैं इज्तिमा सुनने के लिए, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? सर, इस बारे में तो बहुत शहरों से आ रहे हैं यहाँ पे। मुरादाबाद में इज्तिमा यहाँ शुरू हो चुका है, लगभग 3 दिन इज्तिमा होगा यहाँ पे। ये सहारा की जगह है। हमने लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि 40,000 के लगभग ये लोग दूर दूर से, दूर दूर के शहरों से आ रहे हैं। ये 13 जिलों का इज्तिमा है और लगभग 3 दिन यहाँ चलेगा। 8, 9, 10 10 तारीख की सुबह यहाँ दुआ होगी। दुआ में लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे। देखने वाली बात यह है कि इंतजाम पूरी तरीके से हो चुके हैं। यह दवाइयों का इंतजाम भी है, खाने का इंतजाम भी है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुलाबाद से गजनपुर अली, पब्लिक टीवी।